ट्रेड विद कामरान भवानी, क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं? तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें, हम आपको देंगे बरवक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर रابطہ करें। कामरान मेमन भवानी 0345-826-4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, मैं कामरान मेमन भवानी हूं। आप देख रहे हैं YouTube का चैनल जिसका क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज की भी मार्केट हमने ऐसे देखी कि मार्केट का आगाज पॉजिटिव हुआ, मार्केट एक टाइम तक हाई तक गई 272 पॉइंट प्लस तक, और फिर मार्केट में हमने एक टाइम में गिरावट भी देखी 48 पॉइंट की। फाइनली मार्केट क्लोज रही 134 पॉइंट के साथ, 46,056 के करीब क्लोज रही। वॉल्यूम में वाजह कमी हुई, 504 मिलियन के वॉल्यूम थे फ्राइडे वाले दिन, और आज जो वॉल्यूम हुए तकरीबन 298 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो इंडेक्स में 134 पॉइंट का इजाफा जरूर था, लेकिन कुछ सेक्टर तेजी की तरफ थे, कुछ सेक्टर मंदी की तरफ थे। यूनिटी के हवाले से अपडेट करते चले कि यूनिटी में जो एक मुसलसल अपसाइड थी उसका एंड हो गया, और आज हमने यूनिटी में अच्छी खासी गिरावट देखी। वजह यह थी कि यूनिटी के अंदर बहुत से क्लाइंट ऐसे थे जो शॉर्ट सेल में ट्रैप हो चुके थे और मुसलसल इसके अंदर ऊपर के लॉक लग रहे थे, लेकिन आज 29 का लेवल सस्टेन नहीं कर पाए और 27.40 रुपए के करीब क्लोज रहा। शॉर्ट सेलर हजरात के लिए और जो बाइंग करने वाले हैं उनके लिए ये जरूरी है कि यूनिटी के बारे में जाने के टेक्निकल क्या कहते हैं। 29.50 रुपए अगर लेवल ब्रेक होगा तो तेजी कंटिन्यू रहेगी, अदरवाइज हाईली ओवरबोट है। 26 से लेकर 24 का एरिया टच कर सकता है, 29.50 स्टॉप लॉस होगा। और चूंकि अपने हाई से थोड़ा दूर क्लोज हुआ है, एक्सपेक्टेशन ये कि जब जब लो लेवल ब्रेक होंगे मजीद इसमें डाउन साइड आती रहेगी, तो इसलिए 29.50 का स्टॉप लॉस रखें और नेगेटिविटी को थोड़ा और कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके अलावा टॉप वॉल्यूम लीडर आपके स्क्रीन के ऊपर है, WTL, K इलेक्ट्रिक, यूनिटी टॉप वॉल्यूम लीडर है। टॉप गेनर्स में देखें नेस्ले, बाटा, कॉलगेट, ये आपके टॉप गेनर्स है। इसके अलावा टॉप डिक्लाइनर्स में अगर हम देखें तो अलबा शुगर, सीमेंस, गैट्रोन इंडस्ट्री टॉप डिक्लाइनर है। सेक्टर वाइज अगर पोजिशन देखी जाए तो आज कमर्शियल बैंक टॉप पर है 125 पॉइंट, जबकि ऑयल एंड गैस, पावर जनरेशन, केमिकल, फूड सेक्टर, रिफाइनरी, इनमें हमने इजाफा देखा। नेगेटिव साइड पर अगर हम देखें तो सीमेंट सेक्टर में आज हमने फिर करेक्शन देखी 22 पॉइंट की। टेक्नोलॉजी देखा जाए तो 16 पॉइंट, जबकि ऑयल एंड गैस, इन्वेस्टमेंट बैंक, तकरीबन बाकी सेक्टर्स में हमने कमी देखी। ओवरऑल आपको याद होगा मुसलसल एक ही बात कहते रहे कि मार्केट आपकी ओवरबोट की साइड पर आ चुकी है, साथ साथ प्रॉफिटिंग भी जरूरी है मार्केट के लिए। इसके अलावा अगर हम देखें तो सारी गुड न्यूज भी थी, जिसमें देखा जाए तो पहली गुड न्यूज ये थी कि मीट एक्सपोर्ट की जो हुई है 427 मिलियन की इन ईयर, ये बहुत अच्छा था। और फिर सेकंड नंबर पर जर मुबादक के जखान में मुसलसल इजाफा हो रहा है। इसके साथ ही एट्रेस होंडा सीज 25 मिलियन इन एक्सपोर्ट इन मई, यानी कि देखा जाए तो यानी कि साल 2024 में एक्सपोर्ट में इजाफा देख रही है। इसके अलावा अगर हम देखें तो पाकिस्तान को पे करना है 2.44 बिलियन डॉलर पे करने हैं IMF को, तो ये एक्सटर्नल डेट पे करने। इसके साथ ही अगर हम देखें तो यूनिटी ईफर्ट EPCL को रिमूव कर दिया गया है, अलमीजान ETF के जो इंडेक्स होते हैं उसे रिमूव कर दिया गया है। FFBL के हवाले से था कि सेल टू 100% स्टेट इन फौजी मीट लिमिटेड टू फौजी फाउंडेशन, ये FFBL के हवाले से न्यूज थी जिसकी वजह से आज FFBL वर्क करते हुए नजर आया। इसके साथ ही अगर हम देखें तो कराची ओपन मार्केट में 293 के पास डॉलर ट्रेड करते हुए नजर आए। रूस से पेट्रोलियम मसनूआत की दरामद की इजाजत दे दी गई है। इसके अलावा अगर सोलर पैनल के हवाले से भी गुड न्यूज थी कि मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी 2023 की मंजूरी दी जाएगी, जबकि रवा माली साल के लिए वजीर आजम रिलीफ पैकेज जारी रखने का ऐलान रखने की मंजूरी दी जाएगी। इसके अलावा वजारत हाउसिंग सोसाइटी के लिए 47 अरब रुपये की ग्रांट मंजूर की गई है। वजीर खजाना इसहाक डार साहब की जेर सदर इक्तसादी राबता कमेटी का इजलास भी हुआ, और अपोजिशन लीडर का ओहदा हासिल करने की MQM कोशिश कर रही है। इसके अलावा अगर हम देखें तो इसहाक डार साहब को निगरा वजीर आजम बनाने की भी बात हो रही है, और ये मामला भी जैसे कि जैसे पॉजिटिव चल रहे हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो गेट सर्कुलर डेट और जो मामला चल रहे हैं उनको भी जल्द यानी कि रिजॉल्व किया जाएगा। इसके अलावा अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की तरफ मूव करें तो इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में जो क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है तकरीबन 77.47 डॉलर के पास ट्रेड कर रहा है। इस वक्त क्रूड ऑयल आपका हाई साइड पे जा चुका है, 78 से 80 डॉलर की तरफ मूव कर सकता है अपसाइड की तरफ। 76 डॉलर स्टॉप लॉस होगा, अगर ब्रेक होगा तो डिक्लाइन करेगा, अदरवाइज अपसाइड की तरफ है। तो अगर हम गोल्ड सिल्वर में देखें तो गोल्ड सिल्वर में स्लाइटली गोल्ड में इजाफा हुआ है तकरीबन 3 डॉलर का, और सिल्वर जो है 2 सेंट माइनस की तरफ है। गोल्ड सिल्वर आपका थोड़ा डिक्लाइन कर सकते हैं क्योंकि डॉलर इंडेक्स में इजाफा हो सकता है। टेक्निकल चार्ट के हिसाब से अगर हम देखें तो मार्केट आपकी जो रेजिस्टेंस लेवल है 46,255 हमारा रेजिस्टेंस लेवल है, 45,801 हमारा सपोर्ट लेवल है। इंडेक्स 533 पॉइंट ओवरबॉट है, जबकि साल के हिसाब से 3056 पॉइंट ओवरबॉट की साइड पे यानी कि मार्केट क्लोज रही है। अगर हम टेक्निकल चार्ट के हिसाब से मार्केट की पोजीशन देखें तो देखिए इस वक्त मार्केट की जो पोजीशन आ रही है, मार्केट स्लोली ग्रेजुअली
यानी कि डेली बेसिस पे अगर देखा जाए तो मार्केट एक नए हाई की तरफ यानी कि मूव कर रही है और मार्केट डेली बेसिस पे एक हाई बना रही है। मार्केट के इंडेक्स के लिहाज से लेवल ही होगा कि मार्केट अगर 45,800 का लेवल ब्रेक करेगी तो मार्केट डिक्लाइन की तरफ चली जाएगी, अदरवाइज मार्केट आपका नया हाई बना सकती है। क्योंकि इंडेक्स आपका देखा जाए तो बहुत ज्यादा प्लस तो नहीं होता, लेकिन इंडेक्स आपका एक रेंज बाउंड रहता है, लेकिन इसी में सेक्टर शिफ्टिंग एंड स्वैपिंग हो रही होती है। तो 45,800 स्टॉप लॉस रखें, अगर ये ब्रेक हो जाए तो आपने मंदी करनी है, करेक्शन करनी है, अदरवाइज बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी के साथ हाई साइड पर प्रॉफिट टेकिंग लाजमी करनी है। अगर हम डे के चार्ट के ऊपर देखें तो आज डे के चार्ट के ऊपर डॉजी कैंडल बनी है और कोई खास देखा जाए तो बहुत डॉजी कैंडल बनी है। इसमें यही होगा कि इंडेक्स के पास जो लेवल होगा वो ये होगा कि 46,400 से अगर अबव क्लोजिंग आती है तो मार्केट के लिए सेफ जोन होगा, अदरवाइज 46,400 से ऊपर क्लोजिंग नहीं आती है तो किसी भी टाइम करेक्शन की तरफ मार्केट मूव कर सकती है डाउन साइड की तरफ। तो बहुत एहतियात के साथ ट्रेडिंग करें, सिलेक्टिव स्टॉक के अंदर काम करें। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने काफी स्टॉक दिए जिनमें टारगेट अचीव हुए। सबसे पहले हमने रिफाइनरीज की कॉल दी, शेल पाकिस्तान के बारे में बताया, इसके अलावा और भी कॉल्स देते गए जिनके टारगेट अचीव हुए। सेलिंग के हवाले से भी कॉल दी गई थी जिनमें हमने गिरावट भी देखी। ऑटो सेक्टर आपका करेक्शन की तरफ है जिसमें सेल ऑन स्ट्रेंथ के ऊपर रही। इसके अलावा सीमेंट सेक्टर थोड़ा सा मजीद डल हो सकता है। रिफाइनरियों में ATRL, PRL, NRL थोड़ा सा डिप्पा रहता है तो एक्यूमुलेशन की जा सकती है। शेल पाकिस्तान का जो टारगेट है 140 से लेके 150 रुपए का टारगेट है शॉर्ट टारगेट, और लॉन्ग टारगेट 170 रुपए। इसके अलावा अगर PSO आपका 110 से लेके 120 के दरमियान आपको मिलता है तो यहाँ जमा करना चाहिए। लॉन्ग 125 से लेके 140 तक मूव कर सकता है अपसाइड की तरफ। इसके अलावा अगर हम देखें तो बाकी भी PPL OGDC अगर थोड़ा करेक्शन की साइड पे आ जाते हैं तो वेल एंड गुड होगा, अदरवाइज PPL 72 का लेवल मेंटेन करे तो फिर इसके अंदर बाइंग पोजीशन बनेगी। छोटे स्क्रिप्ट में अगर हम देखें तो TPLP है, दीवान फारूक मोटर है, GGL है, यानी कि इमेज है, इनमें थोड़ी सी एक्युमुलेशन है और इनमें किसी भी टाइम एक अच्छी रैली बन सकती है। स्पेशल ग्रुप में टाइमली बाय कॉल सेल कॉल हम दे रहे होते हैं और बता रहे होते हैं, शेयर कर रहे होते हैं, बता रहे होते हैं कि ये स्टॉक्स बढ़ने वाला है या ये इंडेक्स गिरने वाला है। स्पेशल ग्रुप से जुड़ने के लिए आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं मेरी टीम को। ठीक है जी, शुक्रिया। कमर मेमन भावानी, अल्लाह हाफिज़।